जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनी श्री श्री शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका वृषभ राशि का मासिक राशि फल लेकर। क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों से अगस्त महीने के दौरान उनके सितारे, चलिए इस बात की डिटेल में चर्चा करें। उससे पहले देख लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति को, कैसा रहने वाला है अगस्त माह के दौरान ग्रह गोचर वृषभ राशि वालों का। तो वृषभ राशि वाले सबसे पहले जान लीजिए, अभी तक जो आपके शुक्र देवता आपके सिर पर बैठे हुए थे, आपकी राशि में बैठे हुए थे, वो अब वहां से निकलकर मिथुन राशि में यानी आपके लाभ की राशि में जाकर चले गए हैं। वहां पर उनके साथ राहु महाराज भी हैं और बुध देवता भी हैं। राहु महाराज यहाँ पर वक्री हैं मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में जो वहां के मालिक हैं बुध देवता, वो भी 2 अगस्त को यहां से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और जो सूर्यदेव हैं वो भी कर्क राशि में ही होंगे विराजमान। सिंह राशि में सूर्यदेव 16 अगस्त के बाद आकर विराजमान होंगे, और बुध देवता भी इस महीने के अंत से पहले कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आकर विराजमान होंगे। यहां मैं बात करूंगा धनु राशि में, तो धनु राशि में बृहस्पति देवता और केतु महाराज दोनों ही वक्री होकर विराजमान होंगे, किंतु महीने की शुरुआत में यहाँ पर चंद्र देवता भी धनु राशि में ही विराजमान होंगे। मकर राशि में शनि देव जी वक्री होकर ही विराजमान रहेंगे इस पूरे महीने के दौरान, किंतु यहाँ अगस्त महीने के आखिर में चंद्र देवता पूरी एक बार राशि घूमते हुए दोबारा से आकर विराजमान होंगे मकर राशि में। मंगल देवता जो महीने की शुरुआत में मीन राशि में विराजमान थे, वो वहां से निकलकर अपनी स्वयं की मेष राशि में जाकर विराजमान होंगे 16 अगस्त से। तो ये रहेगा आपके राशिफल की स्थिति। क्या गुल खिलाएंगे ये, कैसे कैसे शुभ फल या अशुभ फल आपके ऊपर बारिश बन के बरसेंगे, किसी की जिंदगी में सौभाग्य आएगा तो किसी की जिंदगी में दुर्भाग्य आएगा, और ये सभी होता है आपके और हमारे कर्मों के आधार पर। जैसा कर्म, जैसे पाप और जैसे पुण्य हम करते हैं, उसी के आधार पर प्रभु हमारा भाग्य लिखते हैं। ना प्रभु के यहाँ देर है ना अंधेर है। जब ही जैसे ही पाप का या पुण्य का घड़ा भरता है तो अपने आप ही छलकने लगता है। तभी तो देखिए एक ही समय में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, कोई राजा के यहाँ, कोई मंत्री के यहाँ, कोई संतरी के यहाँ, कोई ऑफिसर के यहाँ, कोई क्लर्क के यहाँ, कोई बिजनेसमैन के यहाँ, और कोई फुटपाथ पर भिखारी बनकर। अब इन सबकी उस समय क्योंकि एक ही समय पैदा हुए हैं, लगभग एक ही जगह पैदा हो रहे हैं, 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के एरिया में, तो एक जैसा ही तो उनका सब कुछ हुआ, मतलब जन्म कुंडली। मगर ये उनको इस तरीके से जन्म क्यों मिला कि मतलब एक तो राजा के यहाँ सोने की चम्मच और दसियों बीसियों नौकरों के हाथों में खेलेगा, एक जन्म के साथ ही भीख का कटोरा लेकर भीख मांगने लगी थी उसकी माँ उसके नाम पर, बच्चा भूखा है दे दो, यानी कटोरा हाथ में लेकर पैदा होगा, कोई लंगड़ा लूला अंधा कोड़ी बनकर पैदा होगा। तो ये हमारे कर्म पर आधारित है, जिन कर्मों के फल हमें पिछले जन्म में नहीं मिले थे वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जिन कर्मों के फल इस जन्म में नहीं मिलेंगे वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। पर सीधा सा प्रिंसिपल है, इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ 100 बार सोचिए एक पाप करने से पहले, फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपके बदले कोई और नहीं भुगतेगा। हाँ, पापों की तीव्रता को कम करने का उपाय मैं जरूर आपको बताता हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक लिंक है पापों की स्वीकारोक्ति के नाम से, उस लिंक पर जाकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपने पाप के बारे में, उसके प्रायश्चित और उससे संबंधित कोई वैदिक ऐश्वर्य का आसान सा उपाय जो आपके पापों की तीव्रता को कम कर सके। और आइंदा पाप करने से पहले 100 बार सोचिए किसी को धोखाधड़ी, मिलावटखोरी, रिश्वतखोरी, किसी का कत्ल, किसी को लूटना, किसी को ठगना, किसी की छीन छीन जान लेना, किसी की चोरी डकैती हत्या करना, किसी और तरीके से परेशान करना, 100 बार सोचिए। अरे यहाँ तो किसी सच्चे धर्मगुरु को अपमान करना आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर देता है, चाहे आप उसके पीठ पीछे से करके देख लेना। यहाँ तो भगवान के इतना बड़ा न्याय है कि अगर आप किसी अंधे लंगड़े लूले कोड़ी या अपाहिज व्यक्ति की बद्दुआ ले लेते हैं,
या किसी प्रेक्षा कुलर की या मजदूरी करने वाले मेहनत पर जो मेहनत पर करके पसीना बहाकर मजदूरी करता है, या किसी जो जूते की मरम्मत करने वाले की बद्दुआ ले लेते हैं, तो वो बद्दुआ आपको जलाकर खाक कर देगी। कभी प्रैक्टिकल अनुभव कर लेना, पाप करें तो पता नहीं आपका क्या क्या हाल ना करें। एनीवे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आपसे, तो आपके साथ एक छोटा सा अनुरोध भी करेंगे। जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को, जिसके ऑलरेडी 15 लाख तो रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों अनरजिस्टर्ड सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए नोटिफाई करें, और लाइक वाइक करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, किंतु सनातन हिंदू धर्म की ज्ञान की गंगा जो है वो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग होते हुए कलयुग में भी बह रही है। वो आपके पूर्वजों के कारण है कि उन्होंने कुछ सुना था तो आगे 10 लोगों को बताया सनातन धर्म के बारे में, जिसकी वजह से तो ये 900 साल हम जो मुस्लिम आक्रांताओं की गुलामी करके आए, 200 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी करी, उसके बावजूद जबकि इन्होंने हमारे धर्म स्थलों को न सिर्फ लूटा, तहस नहस करके हमें खत्म करने का हर संभव प्रयास किया, किंतु आपके पूर्वजों ने कह सुनकर एक जगह से सुना 100 जगह बताया, जिसकी वजह से आज हमारा सनातन धर्म न सिर्फ जिंदा है बल्कि फल फूल रहा है, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहा है। अरे 133 देशों के लोग तो मुझसे खुद कनेक्टेड हैं, समय समय पर मेरी मदद लेने आते हैं, उसमें तो चर्च के बिशप भी हैं, विदेशी चर्चों के बहुत बड़े बड़े बिशप भी हैं, जिन्होंने बिशप का मतलब आपको समझा देता हूँ, चर्च के बिशप का मतलब होता है कि जो 25 साल किसी चर्च के फादर बनते हैं, फादर बनना कितना आसान काम है ऐसे समझ रहे हैं ना, किसी चर्च का फादर होना कितनी बड़ी बात है, और अगर वो 25 साल तक फादर रहेंगे तब जाके वो कहीं बिशप बन पाएंगे, तो ऐसे बिशप भी हमसे अपनी परेशानियों का इलाज करते हैं। ना जाने कौन कौन से धर्म की मैं बात करूं, क्योंकि कुछ बातें कहीं नहीं जाती, वो पता चला मैंने किसी के बारे में बोला तो पता चला दूसरे 10 लोगों ने मेरे ऊपर कहीं मुकदमा ठोक दिया बिना बात के। आजकल ये बहुत ज्यादा चलने लगा है, तो हम बहुत ज्यादा इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते, वरना तो किसी भी धर्म की बात करें तो हर धर्म के बड़े से बड़े लोग हमारे से संपर्क करते हैं अपनी परेशानियों के लिए, जो कि दूसरे अपने ही धर्म के लोगों पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे होते हैं एक समय पर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपके राशिफल के साथ। अगस्त माह के दौरान वृषभ राशि वालों, आपका आत्मबल आपके परिवारजनों के साथ मिलकर फलेगा फूलेगा। राहु महाराज कुछ अड़चन अवश्य डाल सकते हैं, सावधान रहें, कुछ अड़चनों को संभालने का प्रयास अवश्य करिए। समझते भी होंगे परिवारजन फुल टू फुल आपका साथ दे रहे हैं। और यहाँ बात करता हूँ मैं आपके भाई बहनों की, तो भाई बहन निश्चित रूप से आपको खुशखबरी देते हुए नजर आ रहे हैं, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट, जिसमें आपकी माता भी सहयोग कर रही है, यानी नौकरी से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित, टेंडर से संबंधित या इंटरव्यू इत्यादि से संबंधित कुछ शुभ सूचना आपको प्राप्त होती हुई नजर आ सकती है एक डेढ़ महीने के समय में। और क्योंकि ये रहा है राशि परिवर्तन हुआ है, तो माता का आशीर्वाद और अधिक आपको मिलेगा, तो माता का आशीर्वाद लेते रहिए। साथ ही साथ एक चांस बन सकता है आपका अपना खुद के मकान से संबंधित कोई मदद या वाहन से संबंधित कोई मदद आपको प्राप्त हो सकती है, तो या आप मकान या वाहन से संबंधित कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं और कामयाब रह सकते हैं। यहाँ पर परिवारजन भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप मकान से संबंधित, और विशेष रूप से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, किराएदारी के झंझट में फंसे हुए, हर महीने किराया देते हैं, ऊपर से मकान मालिक की धमकी सुनते हैं मकान खाली कर दो ना या किराया बढ़ा देना अगली बार जब आऊं तो ऐसी सभी मकान मालिकों से परेशान, या ऐसे व्यक्ति जो अपना मकान दुकान ऑफिस शोरूम गोडाउन नहीं है, तो अपना खुद का मकान दुकान ऑफिस शोरूम गोडाउन खरीदने के लिए अपने ग्रहों को मजबूत करें, उन ग्रहों को पड़ने वाली दृष्टियों को मजबूत करें, उस जगह पर पड़ने वाली दृष्टियों को मजबूत करें, निश्चित ही आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जहां आपका एक मकान ड्रीम हाउस या ऑफिस गोडाउन शोरूम इत्यादि प्राप्त आपको हो सके। हमने तो अपने छोटे से प्रयासों से इटली में एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसके पास केवल 1,000 यूरो थे, और उसने उन्हीं 1,000 यूरो की बदौलत मकान ही खरीद लिया। दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसके पास 1.5 लाख रुपया था, और उसने 6 महीने के अंदर पटेल नगर में ही एक 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया। तो जरूरत है अपने ग्रहों की दशाओं को सुधारने की, तो उस दिशा में आप सही तरीके से प्रयास किए आपको अवश्य लाभ होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की,
तो स्टूडेंट अगर अपनी माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई के लिए बैठेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होने वाला है, साथ ही माताओं को शुभ सूचना भी देगी। जो नौकरी प्रमोशन की सारी कहानियां बनी हुई है, इंटरव्यू इत्यादि की, वहां लोहिया कॉम्पिटिशन से सफलता इत्यादि, वो सब माता के आसपास घूम रही है, तो लाभ लेने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उम्र निकली जा रही है, अड़ोसी पड़ोसी चिंतित हो रहे कि बाल आपके सफेद हो रहे, इधर रिश्ते वाले आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं, बार बार ऐसा होता है, तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई भारी ग्रह दोष लगे हुए हैं। ये खाली बृहस्पति देवता के व्रत रखने वाली बात से हल नहीं होगा या पुखराज की अंगूठी पहनने से हल नहीं होगा। 8-10% लोगों का बिल्कुल खाली पुखराज से या खाली बनाना के पेड़ की पूजा करने से या केले के पेड़ की जल गले में बांध कर लटकाने से फायदा हो सकता है, लेकिन 90-92% लोगों को इसका फायदा नहीं होगा। तो इससे संबंधित वैदिक छोटे छोटे उपाय करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंटों की जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, मेहनत करने के बाद भी कम नंबर आते हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट हमारी गारंटी वाले उपाय करें जो साल में एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर लें, निश्चित ही आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा और आपके पहले से ज्यादा नंबर भी आएंगे। यहां मैं बात करना चाहूंगा आपके जीवन साथी की जो आपको मदद देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये मदद 1/2 अगस्त तक ही रहने वाली है। आपकी इनकम में वृद्धि है, जो शादीशुदा लोग हैं उनका जीवन साथी उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद देता है, तो वो मदद आपको 16 अगस्त के आसपास तक ही मिलेगी। उसके बाद स्थिति एकदम परिवर्तित हो जाएगी तो उनकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो ये दोनों स्थितियों को ध्यान रखिएगा, सावधान रहिए इस बारे में कि 16 अगस्त के बाद उनकी सलाह नहीं माननी आमदनी से संबंधित, अन्यथा नुकसान होने की संभावना होगी। 16 अगस्त से पहले मानी हुई सभी जो है उसमें आपकी निश्चित उनकी मदद मिल रही है। यहाँ एक और बात करूंगा उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी अपनी संतान नहीं है, डॉक्टरों की दवा खा खा कर थक गए सालों, ना मिसकैरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही ना संतान हो रही, ऐसे सभी दंपतियों को अब दवा नहीं दुआ की जरूरत है। अरे डॉक्टर भी दवा देता है तो भगवान के नाम पर ही देता है, वो RX जो शब्द लिखा होता है उसका ग्रीक में मतलब होता है मैं भगवान के नाम पर आपको ये दवाइयां लिख रहा हूँ, तो भैया सीधे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मदद ले लो। अगर भगवान ने आपको 1-2% भी संतान सुख लिखा हुआ है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके आपको निश्चित ही ये सुख प्राप्त हो सकता है, तो देर मत कीजिए, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करिए, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। यहाँ बात करते हैं आपके ससुराल की तरफ से आपको कुछ सूचनाएं मिल सकती हैं, आपके जीवन साथी को उससे फायदा भी हो सकता है, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर ससुराल की तरफ जाने की यात्रा की संभावना ही बनती हुई नजर आ रही है। भाग्य के हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाग्य के हालात, उल्टा भाग्य तो भाग्य, कार्य के हालात भी ठीक नहीं, कार्यस्थल पर बरकत ही नहीं हो रही है, और आमदनी के हालात तो हमने अभी आपको डिस्क्राइब किए ही हैं कि आमदनी के हालात तो जो जीवन साथी के वजह से थे वो भी खराब हो जाएंगे, और वैसे अपनी आमदनी के हालात बिल्कुल ही ठीक नहीं थे पहले, तो ऐसी स्थिति में आप अपने राशि रतन की, अपने भाग्य की रतन की, अपनी आमदनी के रतन की, कम से कम इन 3 रत्नों की अंगूठी मनचित प्राण पत्र जागृत कराकर धारण करिए। जीवन साथी की अंगूठी भी पहनना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है आपका जीवन साथी कैसा है, कितना डोमिनेटिंग है आपके ऊपर, सतर्क रहें तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप उनकी से संबंधित अंगूठी भी धारण करें ताकि आपके बीच में प्रेम बना रहे। यहाँ भाग्य की वजह से भी आपकी यात्रा करने की संभावना बनती हुई नजर आ रही, और साथ ही आपको बता दूं मेरे द्वारा आपके साइज की बनाकर आपके नाम से मनचित प्राण पत्र जागृत की हुई अंगूठियां आप घर बैठे भी पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं मुझसे चर्चा करने के पश्चात वीडियो कॉल पर। गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा, और किसी अंधा लंगड़ा लूला अपाहिज कोई या गरीब मजदूर रिक्शे वाला हुआ, मजदूरी कर पसीना बहाकर मजदूरी करने वाला हुआ, धूप में बैठकर आपके जूतों की मरम्मत करने वाला हुआ, ऐसी व्यक्तियों की बद्दुआ मत लेना, वरना आपका सब कुछ जलाकर राख कर देंगी। और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, महीने का हाफ की बात कर रहा हूँ, हाफ आधे महीने के बाद अपने क्रोध पर भी भरसक नियंत्रण रखें, अनावश्यक रूप से क्रोध आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सावधान रहें। अभी तक जीवन साथी के साथ अच्छा चल रहा था लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके प्रॉब्लम आनी कहीं शुरू हो सकती है, तो सावधान रहें, इसीलिए मैंने जीवन साथी को कंट्रोल करने वाली
रतन की अंगूठी को आपने जिक्र किया, असली रतन की अंगूठियां 3 वर्ष तक कार्य करती हैं, उप रत्नों की अंगूठियां केवल 1 वर्ष तक कार्य करती हैं, उसके पश्चात नई अंगूठियां ही बनवा कर पहनी जाती है नए रत्नों के साथ। ऐसा कोई विधि विधान नहीं है कि झूठी चीज पर, यानी अंगूठी जब एक बार पहन लेंगे तो झूठी हो गई, किसी भी झूठी चीज पर आप दोबारा मंत्र कैसे पढ़ सकते हैं। जब आप एक बार भगवान को भोग लगा देते हैं तो उसी भोग को उठा के दूसरे भगवान को लगा सकते हैं, या उसी भगवान की दूसरी मूर्ति है तो वहां भी ले जाकर नहीं लगा सकते आप, लगा सकते हैं क्या? तो फिर झूठी अंगूठी पर कैसे मंत्र पढ़ के आप बेवकूफ बनते हैं अपने आप को, और आप खुद सामने वाले को प्रेरित करते हैं कि नहीं कि आप इसी को ही मंत्र सिद्ध कर दीजिए, वो 10-20-50 रुपए के लालच में तैयार हो जाता है। सावधान रहे, ऐसा कार्य मत करें जो आपको खुद को ही नुकसान दे रहा है। और अंत में मैं बात कर रहा हूं ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में जिनका भाग्य भी लूटा हुआ है, जिनका कार्य धंधे में बरकत नहीं है और आमदनी भी खड्डे में जा रही है, या लोन बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता रहा है, तो इस कर्जे बढ़ने की स्थिति से, इन तीनों स्थितियों से पार पाने का प्रयास करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आपको बहुत लाभ देंगे। इनके द्वारा दिए गए लाभ आपको 50-60% आपकी परेशानी को धीमे धीमे करके कम कर देते हैं। शेष परेशानियां तो वैसे ही इतनी छोटी हो जाती हैं कि आप चुटकी बजाते ही उनको उड़ा देते हो, फूंक मारते ही उनको उड़ा देते हो। और अंत में मैं बात करना चाहूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो यहाँ जो आपके प्रेम संबंध है, कभी आपके भाई बहन आपकी मदद करते हैं, तो कभी आपकी माता आपकी मदद करने का भरपूर प्रयास कर रही है। किंतु ऐसे सभी व्यक्ति जो गलती से वृष राशि में अपनी राशि देखते हैं, अगर उनकी राशि कोई और होती है और प्रेम संबंधों में निराश है, तो ऐसे सभी व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों में चल रहे लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी हो रही है उसे रोकने के लिए, धोखाधड़ी जो की जा रही है प्रेम के नाम पर उसे रोकने के लिए, शादी से बचने की जो कोशिश हो रही है उसे रोकने के लिए, या घर वाले ही नहीं मान रहे शादी के लिए, आप दोनों तो राजी है, घर वाले ही तैयार नहीं, तो उस स्थिति में उनको मनाने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों का सहारा लेकर, जिनमें आपको कोई बकरे की बलि नहीं देनी है, कोई मुर्गे की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है, कोई पूजा पाठ के प्रपंच के नाम पर अपने लाखों रुपए नहीं बर्बाद करा देने, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में अभूतपूर्व खुशियां धीमे धीमे करके प्रदान करेंगे, आपके घर वालों को भी मनाएंगे और आपकी प्रेम संबंधों में खुशियां लाएंगे। तो इन उपायों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही मैं बात करना चाहूंगा उन माता पिताओं से जिनकी संतान उनके काबू में नहीं है, उनका अपमान करती है, उनकी बेइज्जती करती है, प्रताड़ित करती है, चाहे वो संतान की उम्र 15 साल है या 55 साल, ऐसे सभी माता पिता वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जो संतान के साथ जो मन है, या खून के जो भी संबंध है, चाहे वो भाई बहनों के साथ हो, माता पिता के साथ हो, पुत्र पुत्री के साथ हो, या अपने पति पत्नी के बीच में हो, पति पत्नी का रिश्ता भी खून का रिश्ता ही माना जाता है, तो इन संबंधों में जो परेशानी आ रही है उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय धीमे धीमे करके प्रेम संबंधों को ठीक कर देते हैं और आपके जीवन में खुशियां ले आते हैं। जो आपकी जो अपमानित होते हैं अपने संतान से, उससे आप बच सकते हैं, या आपको अपने जो भी रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है उनको ठीक करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात करूंगा आपका दैनिक राशि फल लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।